product of two conjugate complex numbers is a real number. Okay, FSB भी question आई हुआ है. मुझे अगर एक complex number लेते हैं a plus a था b, एक इसका conjugate भी हम ले लेते हैं a minus a था b. चाहे इन दोनों को plus करें answer two, चाहे इन दोनों को multiply करें a square plus b square आएगा. दोनों cases में answer real number ही आता है. उसके बाद मेरे पास एक और रिजल्ट है, जी वन प्लस सी टू का जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये लेस देन और इक्वल होता है जी वन प्लस सी टू के मॉडुलस से. लगा लगा मॉडुलस करके प्लस करें तो आंसर छोटा आता है, पहले प्लस करके करें तो आंसर इसका आंसर लेस आता है इन दोनों अलग अलग करने से. इसी तरह इसमें एक माइनस में प्रॉपर्टी है, माइनस में प्रॉपर्टी हमारे पास है जी वन, जी वन माइनस जी टू इसका मॉडुलस जो है ग्रेटर देन इक्वल होता है जी टू माइनस जी वन. इस तरह अलग अलग करके माइनस करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल होता है, प्लस करें तो लेस देन इक्वल होता है. तो ये बना सकता है इसके एमसीक्यूज जो जी प्लस जी कॉन्जुगेट हमेशा रियल नंबर होता है और जी माइनस जी कॉन्जुगेट हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है. क्योंकि जी आपके पास है ए प्लस ही होता भी, तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास होगा ए माइनस ही होता भी. इनको प्लस करेंगे एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट में फर्स्ट जाएगा टू ए, तो आंसर मेरे पास एक रियल नंबर आएगा. तो या फिर वन ओवर टू ओवर कर ले आए तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट भी मेरे पास रियल पार्ट आ जाता है, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट आ जाता है अगर माइनस देखे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो जी वन प्लस जीरो होता है, इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन और जीरो प्लस जीरो ए होता है इसमें जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है. तो इधर एक क्वेश्चन नंबर फोर इन्होंने लिखा है, कहता है कि सम प्रोडक्ट रियल हो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर बोथ रियल, तो टू नंबर्स मस्ट बी आइदर बी रियल और कॉन्जुगेट. कहता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम सम करते हैं तो आंसर आपके पास एक रियल नंबर आ जाता है. तो या तो एक ही सूरत है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ये ए माइनस ए होता भी होगा तब ये पॉसिबल है, या एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों रियल होते हैं, दोनों यानी कि दोनों में इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है. दो ही पॉसिबिलिटीज आंसर के लिए आने की, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. या एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो तो उनको सम करने से रियल आता है, छोटा वाला पार्ट पार्ट कट जाता है, छोटा वाला पार्ट वैसे ही जीरो होता है. ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो चैप्टर वन में होती बात नहीं ऐसी. चैप्टर नंबर टू बेसिकली शुरू होता है, एम एस सी का कोर्स भी बेसिकली चैप्टर नंबर टू से शुरू होता है. चैप्टर नंबर वन में से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है ये वाला ए माइनस ए माइनस ए कॉन्जुगेट बी, ये भी कुछ समटाइम एम एस सी में क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. चैप्टर नंबर टू में लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल देखो. इसमें जो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का आइडिया है ये रियल नंबर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ये इस तरह से डिफरेंट है कि हमारे पास जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इधर ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इस स्पेस प्लेन में पड़ा होता है टू डिमेंशन, ठीक है, ए प्लस ए होता बी, एक्स की तरफ से भी वाई और वाई की तरफ से भी, एक्स की तरफ से ए वाई की तरफ से बी वैल्यू, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर पड़ा होता है. रियल नंबर्स के अंदर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है उसके बाएं तरफ से और उसके दाएं तरफ से, ये वाली वैल्यू दाएं तरफ कुछ वैल्यू लें और इसकी इधर बड़ी करीब वैल्यू लें तो उनका आंसर सेम आना चाहिए. यानी कि अगर ये नंबर ए है,
x अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव, यानी कि इस तरफ से अप्रोच करें, इस तरफ से या लेफ्ट से अप्रोच करें, तो दोनों दफा फंक्शन का आंसर सेम आना चाहिए मेरे पास। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी, 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 इसमें बहुत सारी जगहों से अप्रोच किया जा सकता है। इसमें एक तो अप्रोच किया जा सकता है y इक्वल टू एम एक्स की तरफ से, ठीक है, यानी कि एम एक्स की तरफ से, यानी कि डिफरेंट लाइंस जिनके स्लोप डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू टू एक्स, इसका स्लोप टू है, y इक्वल टू एम एक्स लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इक्वल टू थ्री एक्स, y इक्वल टू फोर एक्स, तो डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग इसको अप्रोच, इसी तरह पैराबोला के अलॉन्ग भी इसको अप्रोच किया जा सकता है, अलॉन्ग की पैराबोला, इसका आंसर सेम होना चाहिए। तो एक जो पॉइंट पड़ा होता है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, उसके कॉन्टिन्यूस होने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है एक रियल नंबर की बनस्पत, ठीक है। तो इसमें हमें डिफरेंट जगहों से जो है ना अप्रोच करवाना पड़ता है। तो इसमें डेफिनेशन है जो है ना फंक्शन की डेफिनेशन पहले हम लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल w मेरे पास इक्वल है z स्क्वायर के, कोई मेरे पास फंक्शन है w, मेरे पास है कोई सा भी फंक्शन ऑफ z, इसमें हम कहते हैं ना y इज द फंक्शन ऑफ x, रियल नंबर में हम कहते हैं, इधर हम कहते हैं w इज द फंक्शन ऑफ z, कुछ भी कह दें, बेशक y को f(x) से कह दें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आमतौर पर इधर z यूज किया जाता है। तो w इज द फंक्शन ऑफ z, यानी कि w इक्वल टू x स्क्वायर, उसमें होता है y इक्वल टू x स्क्वायर रियल नंबर में। हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखें, मैं w को ऐसे भी लिख सकता हूँ, z को लिख सकते हैं x प्लस एटा y, हर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा y की फॉर्म का होता है। तो ये मेरे पास आ गया x का स्केयर माइनस y स्केयर, एटा स्केयर माइनस वन हो जाएगा, एटा स्केयर y स्केयर प्लस एटा टू एक्स वाई, डब्ल्यू ऐसे हो गया। इसको हम कह देते हैं रियल पावर, इसको हम यू एक्स वाई से भी नोट कर लेते हैं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को, और इसको हम लोग वी एक्स वाई से भी नोट कर लेते हैं। सो जो w है ना वो बेसिकली दो फंक्शन से मिलकर बनता है, एक एटा के साथ वाला और एक दूसरा, ठीक है। w मेरे पास जो है ना, यानी कि w किसके इक्वल होता है, u प्लस एटा v के, दो फंक्शन एक्स वाई के फंक्शन के मिलने से, u प्लस एटा v के मिलने से मेरा w बनता है। हम w को एनालिटिक कहते हैं, ठीक है, w को हम एनालिटिक कहते हैं अगर w मेरे पास, एनालिटिक से पहले हम इसकी इसको करते हैं सिंगल वैल्यू डबल वैल्यू। अगर मुझे w सिर्फ एक वैल्यू, तो फिर w मुझे देखिए क्या दे रहा है, u प्लस एटा v, u किसके इक्वल था x स्केयर माइनस y स्केयर के, और v किसके इक्वल था 2xy के, एटा के साथ वाला। हम कहते हैं अगर w मुझे सिंगल वैल्यूड हो, ठीक है, तो या पहले से डिफाइन सिंगल और मल्टी वैल्यूड को, इधर हम कहते हैं w मेरा सिंगल वैल्यू है, w ने मुझे सिंगल वैल्यू दी है, है ना। मल्टी वैल्यूड कब होगा w, देखिए अगर एक आप कह रहे w स्केयर इक्वल टू z, ठीक है, w स्केयर इक्वल टू z, तो इधर से w किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस z के, यानी कि w इक्वल आ गया प्लस माइनस x प्लस एटा y के। तो मेरे पास u एक तो x की इक्वल भी हो गया, और u मेरे पास माइनस x की इक्वल भी हो गया, इसी तरह v मेरे पास माइनस y भी हो गया, और v मेरे पास प्लस y। तो हम कहते हैं डबल w इज मल्टी वैल्यू, ठीक है, मल्टी में टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, तो मोर देन वन है। तो बिल्कुल जिस तरह हम कहते हैं ना उसमें y इक्वल टू x के हम कहते हैं फंक्शन है, और y स्केयर इक्वल टू एक्स हम कहते हैं ये ब्रांचेस बनती हैं, y इक्वल टू प्लस माइनस है, एक एक्स के लिए मुझे दो वाई मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये मल्टी वैल्यूड है। इसी तरह से अगर आपके पास आ गए ना w इक्वल टू z स्केयर, दिस इज सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, क्योंकि w की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, हर z की एक वैल्यू के लिए, और w स्केयर इक्वल टू z स्केयर, ये डबल वैल्यू, टू वैल्यू की से कह सकते हैं, और w क्यूब इक्वल टू थ्री वैल्यू, ठीक है, रिजर्वेशन कुछ भी आ रहा है, w
n is equal to v square is n value. ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम आपके साथ में, लेकिन जो मुझे एन एन वैल्यू प्रोवाइड करेगा यू और वी, जो जब मैं इसके लिए एक्स प्लस या वाई फिट करके स्केयर ओपन करूंगा तो मेरे पास एन डिफरेंट वैल्यूज जो यू और वी में होंगे। तो ये क्लियर है आपको मल्टी वैल्यूड वाली बात जो है, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड की। मल्टी वैल्यूड हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास W, देखिए पहले ये देखें W इक्वल टू Z स्क्वायर, अगर मैं Z की जगह पे पुट करता हूँ ना X प्लस A ओटा Y ऊपर स्क्वायर से, तो मेरे पास एक फंक्शन से आएगा X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई A ओटा, तो ये मेरे पास एक U आ गया, इसको मैं U कह देता हूँ, और ये मेरे पास एटा के साथ वाले मैंने v डब्ल्यू इक्वल होगा u, ये मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन आया एक u और एक v, ये होगा सिंगल वैल्यू। ठीक है, अब अगर मेरे पास आता है w स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है ना ये मुझे टू वैल्यूड आंसर देगा। देखिए कैसे, w स्क्वायर को फिलहाल ऐसे ही रहने दें, z की जगह पे अगेन वो पुट करें x प्लस, अब आ गया x स्क्वायर माइनस वो अगेन उसी तरह से आ गया 2x एटा वाले, अब चूंकि मैंने तो W की वैल्यू निकाल दी है तो मुझे दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास W इक्वल आ गया प्लस माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस टू एक्स एटा वाई, ठीक है स्केयर रूट। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया, यानी कि प्लस माइनस आ गया मेरे पास इस ये स्केयर रूट रिमूव होने की वजह से। सो अब मेरे पास जो है ना दो वैल्यूज आ गई W की, पहले सिर्फ एक वैल्यू आ रही थी ये वाली, अब मेरे पास एक प्लस में भी आ गई x square minus y square plus 2 xy iota का square root, एक ये भी आ गई और एक मेरे पास माइनस में भी आ गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं टू, यानी कि मुझे w दो वैल्यूज दे रहे तो वो टू वैल्यूड होगा। ठीक है, इसको सिंपल आप जो है ना रियल नंबर्स के साथ देखिए, y इक्वल टू x square, x की जगह 2 पुट करें y के कितने आंसर आएंगे, एक्स का टू लगाएं वाई का क्या आंसर आएगा, फोर आ जाएगा। और अगर मैं वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर में एक्स की जगह पर टू लगाऊं कितने आंसर आएंगे, टू का स्केयर कितने आंसर आएंगे वाई के, प्लस प्लस माइनस टू, ये डबल वैल्यू है और ये सिंगल वैल्यू है, नंबर में भी यही है। ठीक है, इन्हीं के मुझे जो रेंज है वो एक से ज्यादा मिल जाती है, प्लस टू भी मिल गया माइनस टू भी मिल गया। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड के बाद कुछ क्वेश्चन उसने किए हैं जो बड़े सिंपल से हैं और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लिमिट की बात की है, लिमिट की वही बात है जो उधर है रियल नंबर्स में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मेरे पास एफ ऑफ जी की बात करते हैं, एफ ऑफ जी का किसी नंबर के साथ डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन जी माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, सेम वही डेफिनेशन रियल नंबर वाली। ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, इधर बेशक आप एल की जगह पे नंबर चेंज भी कर लें, रियल नंबर में हम एल लिखते हैं, इधर आप बेशक डब्ल्यू नॉट कर लें, इधर जी नॉट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि मेरे पास एक नंबर है ए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, एक्स अप्रोचिंग टू वन, अगर मैं इसमें वन पुट करूँ तो ये जीरो बाय जीरो बन जाता है। ठीक है, अब मेरे पास वन पे आंसर डिफाइन नहीं है, वन पे मेरे पास आंसर डिफाइन नहीं है, मैं कहता हूँ कि जब भी मैं, अब मुझे वन पे आंसर नहीं आ रहा तो मैं चाहता हूँ किसी तरह वन पे भी आंसर आ जाए, इधर देखो कि नंबर पड़ा हुआ कोई सा भी जो आंसर आना है,
हमें नहीं पता क्या आंसर है, लेकिन कोई नंबर इधर डब्ल्यू नॉट पड़ा हुआ है या कुछ भी। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ओके ये आपका जो है ना ये आपका क्या है ए है। जब मैं ऐसा करता हूँ कि एक नंबर वन पे आंसर नहीं आ रहा, तो मैं एक्स की जगह पे एक ऐसा नंबर पुट करता हूँ जो ए के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, ए के बहुत ज़्यादा करीब है, लेट्स से कि ये वाला और ये वाला, ये एक्स है, एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, यानी कि ए के करीब है वो नंबर, जैसे कि फाइव, फाइव पुट कर लेता हूँ एक्स की जगह पे, फाइव वन के करीब है, हमें पता है इधर करके फाइव पड़ा होगा। तो मैं कहता हूँ कि क्या मेरे पास फाइव, अगर मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह पे फाइव वन के करीब है, तो क्या मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स का आंसर है वो किसी नंबर के करीब जाता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का आंसर किसी नंबर के करीब जाता है, ये मैं चाहे अगर मैं इसमें फाइव पुट करूँ तो फाइव का स्केयर कितना आ गया ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में से वन कितना आ गया ट्वेंटी फोर, और फाइव में से वन बाकी फोर, तो मेरा आंसर आ गया सिक्स। और अगर मैं इस तरफ से फाइव ले रहा हूँ, इस तरफ से वन के कौन करीब होगा, लेट्स सी कि इस तरफ से मैं करीब ले लेता हूँ माइनस फाइव दूसरी तरफ से, तो माइनस फाइव का स्केयर हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस वन ओवर फाइव, माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो ये ट्वेंटी फोर ओवर माइनस सिक्स, इधर आ गया माइनस फोर, तो ये तो आंसर सेम नहीं आ रहा, मेरा नंबर किसी के पास करीब नहीं गया किसी एक, ये यहाँ सिक्स के करीब जाता है या माइनस फोर के, तो डिफरेंट आंसर आ गए हैं। मैं कहता हूँ फाइव ज़रा दूर है, एक्स को और करीब करो ए के, एक्स और ए का डिस्टेंस और कम करो, इतना कम कर दो कि डेल्टा से भी कम कर दो, मैं फोर पे आ जाता हूँ, इधर मैं जीरो पे आ जाता हूँ, मैं इधर थ्री पे आ जाता हूँ, इस तरफ से मैं लेट्स से के और करीब आ जाता हूँ पॉइंट नाइन पे, पॉइंट फाइव पे, तो मैं एक्स को करीब लाता जाता हूँ ए के, मैं इतना करीब ले जाता हूँ कि वन के इस तरफ मैं 1.001 ले लेता हूँ, कि ये एक्स और ए को मैंने, एक्स को मैंने ए के बहुत ज़्यादा करीब कर दिया दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। अब मैंने इसमें पुट करके देखना है 1.0001 भी और 0.9999 भी, क्या मेरा आंसर इसमें भी टू आ जाए और इसमें भी टू आ जाए फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं एक्स को दोनों तरफ से ए के करीब करता हूँ, उस वक्त मेरा फंक्शन जो है दोनों तरफ से टू के करीब चला जाता है, इस तरफ से भी तकरीबन टू आंसर देता है, इस तरफ से भी टू आंसर देता है, तो हम कहते हैं कि तकरीबन वन पे आंसर टू आएगा, यानी कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये इसमें भी है कम्प्लेक्स नंबर में। अपने कम्प्लेक्स नंबर को जिसपे आंसर अनडिफाइन हो रहा है जेड नॉट पे, आप जेड को उसके करीब करें तो आपका फंक्शन वैल्यू किसी एक डब्ल्यू नॉट के करीब हो जाए, उसके पास जाना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो डब्ल्यू नॉट है, ठीक है। सेम ये मैट्रिक में भी आप डेफिनेशन स्टूडेंट्स को आंसर को बताया करें, ठीक है, लैम्डा एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन जो है, ये आमतौर पर जब इंटरव्यू वगैरह पूछते हैं उसमें ये अक्सर ये पूछते हैं कि वो कहते हैं कि आप हमें जो है ना कॉन्टीन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी को समझाएं, ये क्या कहते हैं, ये क्या डेफिनेशन क्या बताती है, एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन आए जब हम एक्स का डिस्टेंस ए से लेस देन डेल्टा करें, यानी कि दूसरे लफ्जों में एक्स को अगर अप्रोच करें ए की तरफ तो एफ ऑफ एक्स जो है ये अप्रोच करें एल को, किसी नंबर को अप्रोच करें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है, कॉन्टीन्यूटी में भी सेम, सिर्फ एल की जगह पे वो कहता है कि उसी की तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाता है, बस आपकी फंक्शन किसी किसी वैल्यू को अप्रोच करे और जब आप एक्स माइनस एक्स नॉट को लेस देन, सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ इसमें फंक्शन की बात आ जाती है। आगे उसने एक थ्योरम लिखा है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, आप देख लें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में एनी टू नंबर्स की बात होती है, कभी भी दो नंबर लें उनके दरमियान डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, जब भी जेड वन माइनस जेड टू के दरमियान डिस्टेंस लेस देन डेल्टा लें,
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी मीन कि हर जगह पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं हम लोग। डिफरेंशिएबिलिटी आप बिल्कुल वही है जो आप एफएससी में पढ़ते हैं, डेरिवेटिव लेना। और ठीक है, चैप्टर नंबर टू भी, चैप्टर नंबर थ्री आपका जो है इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, एनालिटिक आर रेगुलर आर होलोमॉर्फिक फंक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपके बनते हैं। ठीक है, नंबर वन एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, दो बातें होनी चाहिए। नंबर वन, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। नंबर वन, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दोनों में से एक भी शर्त अगर पूरी ना हो तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। ये इसका बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनाता है एनालिटिक का, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। W स्केयर इक्वल टू Z स्केयर इज नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास सिंगल वैल्यूड नहीं है। Z मॉडुलस सिंगल वैल्यूड नहीं होता, दो प्लस माइनस दो आंसर दे देता है, ठीक है, इस तरह। और भी स्केयर रूट ज्यादा आंसर दे देता है, एनालिटिक नहीं होता, मल्टी वैल्यूड हो जाता है, और सम टर्म डिफरेंट जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए आपका, हर एक्स के हर जेड के लिए यूनिक डब्ल्यू होना चाहिए, और एवरी जी देर इज अ यूनिक डब्ल्यू, और आपका फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो। हम अपने फंक्शन को एनालिटिक मानते हैं, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी ना हो तो हम अपने फंक्शन को एनालिटिक नहीं मानते। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है ये भी, फंक्शन एफ इज एनालिटिक, एक फंक्शन एनालिटिक होता है इफ एंड ओनली पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल, देखिए वाला यही रिजल्ट याद है किसी को, इनको क्या कहते हैं, पढ़ाता है कोई कॉम्प्लेक्स को, सीआर इक्वेशंस कहते हैं सर, काशी रीमान इक्वेशन, दीस आर सीआर इक्वेशन, काशी रीमान इक्वेशन। फंक्शन एनालिटिक होता है अगर उसमें काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जी इफ एंड ओनली के साथ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के साथ है। अगर किसी जगह पे काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए किसी फंक्शन के ऊपर, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल आ जाए पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई के, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इक्वल आ जाए माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स के, तो हम फंक्शन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है ना ये वाली, हाँ बिल्कुल, हम फंक्शन को एनालिटिक कहते हैं। देखें जैसे उसमें हमने बात की थी W इज इक्वल टू जी स्केयर, हमने कहा था कि z इक्वल होगा x प्लस योटा वाई के, पर स्केयर वैसे ही एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बन जाता है, टू एक्स वाई योटा बन जाता है W, इसको मैंने यू कह दिया, यू इक्वल हो गया रियल वाला फंक्शन, और एटा के साथ वाले को मैं हम वी कह देते हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, टू एक्स आ गया, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई वो भी टू एक्स आ गया, देखें सेम आ गया। इसी तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई के पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई होता है, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई माइनस टू वाई आ गया, और पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स वो आ गया टू वाई, तो हमने कहा था पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इक्वल होना चाहिए माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, ये काशी रीमान इक्वेशन है, और ये दोनों इक्वल आते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल, ये काशी रीमान, इसका मतलब है दिस इज एनालिटिक फंक्शन, डब्ल्यू इक्वल टू जी स्केयर इज एनालिटिक। अगर किसी में काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन एनालिटिक होगा, और अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसमें काशी रीमान इक्वेशन जो है वो लाजमी तौर पर होल्ड करते हैं।
जैसे कि उसने बताया कि जी मॉड स्केयर में डब्ल्यू इक्वल टू जी मॉड स्केयर में काशीरी मान इक्वेशन होल्ड नहीं करते, उसकी वजह क्या है कि ये मल्टी वैल्यूड आ जाता है। उसके बाद काशीरी मान इक्वेशन की स्टेटमेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है और ये पॉइंट भी याद रखना है। फिर मॉड जिन पे भी होगा वो इक्वेशंस होल्ड नहीं करेंगी ना? हाँ बिल्कुल, जिन पे मॉड होगा उसमें काशीरी मान इक्वेशन होल्ड नहीं करेंगे, वन एनालिटिक नहीं होगा। जो कंजुगेट टाइप के अंदर आ जाएंगी उन पे नहीं होल्ड करता, वो भी आमतौर पे जो है ना आप डिफरेंट फंक्शंस भी लेके जो है ना चेक करें, एनालिटिक जो है ना एनालिटिक एग्जाम्पल्स ढूंढें, उनको दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखें ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई फंक्शन पूछ भी रहे एनालिटिक है कि नहीं आप उसका इजीली बता सकें। ठीक है, उसके बाद इसमें एक डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शंस की, या इन्हें पोटेंशियल फंक्शंस भी कहते हैं, पेज नंबर 37 के ऊपर है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आप देख लें, सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और दूसरी जो लैपलास इक्वेशन जो वो होल्ड करनी चाहिए। लैपलास इक्वेशन है पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू डेल स्केयर, यानी कि डेल स्केयर वी इज इक्वल होना चाहिए। तो अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो तो हम फंक्शन को हार्मोनिक या पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन जो है ये उसने एज इट इज आपसे पूछनी है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये अपना यानी कि जितनी ज्यादा चीजें आप पढ़ के उनको याद रख लें उतना ज्यादा यानी कि आप एग्जाम के अंदर उनके आंसर दे लेंगे। आगे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट जो 40 पेज के क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ जाते हैं वाले 40 पेज पे ये एग्जांपल 1 जो है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स के हवाले से। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट वहां निकालना वो दे भी सकता है, वो छोटा सा दे देता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बस उसमें ये देखना है कि क्या आपको वो उस वक्त आपको पता है कि नहीं। अगर आपको v ऑफ एक्स वाई उसने दे दिया हुआ है जैसे e की पावर x cos y है और आपने कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इसमें काशीरी मान इक्वेशन जो है वो हम यूज कर लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट यानी कि u उसने कहा कि निकालो, v दे दिया और u जो है ना वो उसने मिस कर दिया। मैं इसको डेरिवेटिव ले लेता हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा ई एक्स साइन वाई माइनस आ जाएगा साथ। तो अब एक दफा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करने के बाद अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग जो है। ठीक है, तो नहीं पहले इसकी जगह पुट करेंगे ना, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई आपके पास पहले आ गया, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई आ गया, कितना आता है ई एक्स माइनस साइन वाई आता है। अब मैं इसकी जगह पुट कर लूंगा, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई इक्वल होता है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स के काशीरी मान इक्वेशन से। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, तो अब मैं इंटीग्रेट करने से मेरे पास यू निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इंटीग्रेट ये कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो साइन वाई बाहर आ जाएगा माइनस ई एक्स साइन वाई प्लस एक डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट एक्स की फॉर्म वाई के फॉर्म में आएगा। अब दोबारा एक दफा और दफा काशीरी मान इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास यू जो है वो आपके पास निकल आएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट निकालने के बाद एक एक क्वेश्चन आप इसका करके देखना। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और उसने देना भी सिंपल सा है, वो 2-3 मिनट में सॉल्व भी हो जाए, तो ऐसे हाँ बिल्कुल क्वेश्चन दे सकता है। फंक्शन को हार्मोनिक चेक करना, सिंपल सा दे देगा, वो बोलेगा हार्मोनिक इसमें है कि नहीं है इस तरह से। आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक काशीरी मान इक्वेशन अगेन सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इसकी वो स्टेटमेंट्स पूछ लेता है काशीरी मान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो ये आपके पास बनती है पार्शियल वी बाय पार्शियल आर इक्वल टू माइनस वन ओवर आर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा, और पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा इक्वल होता है पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा, इसमें दिया हुआ है आपको पार्शियल वी बाय पार्शियल आर इक्वल है 1 ओवर आर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा। ठीक है,
ये भी आपसे जो है ना पोलर फॉर्म में काशी रीमान इक्वेशन भी पूछ सकता है, तो ये भी आपने जो है काशी वो हासिल होता है। अगला प्लास इक्वेशन भी है पोलर फॉर्म में, ये भी आपने, ये वो चीजें जो आपने एग्जैक्ट एज इट इज याद रखनी है, इनमें कोई इतनी कंसेप्चुअल बातें उसने नहीं पूछनी, उसने रिजल्ट्स आपने पूछने हैं। उसके बाद एक कंसेप्चुअल बात आ जाएगी लेवल कर्व, लेवल कर्व वो डिफरेंट पूछ लेता है। लेवल कर्व हम कहते हैं कि जो आपका एक यू ऑफ एक्स वाई है, डब्ल्यू इक्वल है फंक्शन ऑफ जी के, डब्ल्यू इक्वल है जी स्केयर के जैसे, तो इसमें लेवल कर्व हम कहते हैं कि इसमें हमारा आंसर आता था एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई एटा, तो ये यू है एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसको भी कॉन्स्टेंट के इक्वल कर दें, और जो दूसरा वी है वी को भी कॉन्स्टेंट के इक्वल कर दें, यू को भी कॉन्स्टेंट और वी ऑफ एक्स वाई को भी कॉन्स्टेंट के इक्वल रख दें, टू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको सी वन कह दें, इसको सी टू कह दें, दीज आर कॉल्ड लेवल कर्व। ठीक है, फंक्शन को सॉल्व करें और इसके रियल और इमेजिनरी फंक्शन जो है यू और वी उनको कॉन्स्टेंट्स के इक्वल कर दें, ये लेवल कर्व कहलाते हैं। ये आपका बनता है हाइपरबोला, आपको पता है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू वन इज कॉल्ड हाइपरबोला, और ये आपके पास बनता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी टू ओवर टू, इसको सी थ्री कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो आपने वो निकालने हैं और आपने बाद में उनकी जो है ना देखना है कि आपके लेवल कर्व बन क्या रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी एंड पे आपके पास रियल एनालिसिस में वो कौन से आपके पास जो है वो फंक्शंस बनते हैं। उसके बाद उसने एक कंडीशन आपको दी है दो कर्व के ऑर्थोगोनल होने की। ठीक है, वो कंडीशन आपने याद रखनी है, दो कर्व को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई अगर जीरो के इक्वल आ जाए, हम कहते हैं मेरे पास जो मेरा फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोगोनल कहते हैं यू और वी, एक यू ऑफ एक्स वाई और इनसे दोनों से जो बन रहे हैं लेवल कर्व बन रहे हैं उनको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए। तो बाकी सारे इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो काशी रीमान इक्वेशंस को ही निकालने के हैं, सो और इतनी की कंसेप्चुअल बात नहीं है। कल हम इसमें शुरू करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को शुरू करेंगे, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चैप्टर और आएंगे, एक इसमें आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, और दूसरा इसमें आएगा मेरे पास रेसिड्यूज वाला, सबसे मेन पोल वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है, वो हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर कौन सा इसमें सिंगुलैरिटीज चैप्टर नंबर 6 है, ये 7th है, 6 वाला 6 है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से वो दो तीन एमसीक्यू जरूर पूछेगा, जीरोस पूछेगा आपसे, रेजिड्यूज पूछेगा और पोल्स पूछेगा, सिंगुलैरिटीज डिफरेंट किस्म की, रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल लॉरेंट सीरीज से वो डिफरेंट, वो चैप्टर 6 में से काफी सारा आपको पेपर बनाएगा। तो कल हम चैप्टर 6 को एक तो करते हैं, साथ एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला भी आप पढ़ लेना, ये जो फंक्शंस वाला है ना ये बड़ा सिंपल सा है, सिंपल आपने फंक्शन की सीरीज वगैरह याद करनी है, साइन की कॉस की, ये एफएससी में भी सारी चीजें हैं, वो किसकी, हम कल पांचवा छठा चैप्टर कल पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन और दूसरा ये सिंगुलैरिटीज वाला ही, इसी के हम क्वेश्चन करेंगे बस। इधर कंटूर से काम ही वो पूछता है, क्योंकि कंटूर एक्चुअली जो है ना कम्प्लेक्स वन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह कि चूंकि कम्प्लेक्स सभी पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स टू भी सभी पढ़ते हैं, पूछ भी सकता है, लेकिन कंटूर की तरफ वो कम ही क्वेश्चन जो है ना वो लेके जाता है, लेकिन फिर भी हम कंटूर को एक दफा देखेंगे, कंटूर इंटीग्रेशन को। ये सारे कम्प्लेक्स टू का हिस्सा है, कंटूर इंटीग्रेशन कम्प्लेक्स टू में पढ़ाई जाती है वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में, कम्प्लेक्स वन में नहीं पढ़ाते, लेकिन कुछ जगहों पर एनुअल सिस्टम जो है उसमें कम्प्लेक्स का एक ही पेपर बनाया जाता है, उसमें कंटूर इंटीग्रेशन भी शामिल होती है। चलो ठीक है, आज इसे हम क्लोज करते हैं ये चैप्टर, आज इसके भी आप देख लें एक दफा सही, खुद भी सारी डेफिनेशन काशी रीमान इक्वेशन की स्टेटमेंट्स और जितनी भी हैं उनको किसी जगह पर लिख लें, ताकि आप उसको बाद में इजीली याद कर सकें। कल हम इसको देखते हैं फिर, सर कल टाइमिंग क्या होगी? कल टाइमिंग वही 7 बजे, 7 से शुरू करेंगे हम।
सात से तो साढ़े दिन नौ में तक नहीं पॉसिबल करेंगे उसके होगा? बाद किसमें? अच्छा दिन दिन में, में सर, कल हाँ कल बल्कि संडे है, संडे है कल कल हम दिन का ही जी सर, रखेंगे। हाँ क्योंकि कल मैंने भी बल्कि एक शादी पे जाना लाहौर, तो कल हम दिन का ही रखेंगे। मैं आपको मैसेज कर दूंगा दिन में, ठीक है, ग्रुप में जब जी सर, मैं आता ठीक, हूँ फ्री होता हूँ मैं, क्योंकि 4 बजे कल हमने निकलना है, तो कल मैंने शादी पे ही होना, तो कल शाम टाइम मुश्किल हो जाएगा, दिन में ही यहाँ कल रखते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह जी हाफिज़। सर, ठीक, अल्लाह हाफिज़ सर।